morning once again. Welcome to our class. Today we are going to discuss about RBSC class 10th Rajasthan Board की 10वीं कक्षा की बात कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 5 अपना चल रहा है जिसका टॉपिक है हीरो. इसका एक पार्ट अपन ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, इसके बाद आज चर्चा करेंगे पार्ट 2 की. इससे पहला मेरा रिक्वेस्ट आपसे, अपनी नोट बुक और अपना पेंसिल साथ में रखें, जो भी न्यू वर्ड्स हैं वो लिखते रहें. और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो अपने साथी क्लासमेट्स जो है उनके साथ शेयर कीजिए. तो किस प्रकार से अपन ने पार्ट फर्स्ट में देखा कि भाई एक स्टोरी, न्यूज़पेपर की स्टोरी स्वामी के लिए हेडेक बन जाती है, और उसके लिए एक चैलेंज सामने आ जाता है कि भाई तुम्हें जो है अकेले आज मेरे ऑफिस में सोना है उसके फादर के थ्रू. अब बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, यानी कि वो बचने का प्रयास करता है और जब चुपचाप जाके दादी की बगल में सो जाता है. अब क्या उसके सोने से उसका खतरा टल गया, इसके बारे में अपन देखते हैं कि भी जैसे भी वो जाके सोया और वो खर्राटे लेने लगा, तभी उसने देखा कि उसके चेहरे से कंबल खींच ली है किसी ने. अब देखो कौन है, किसने कंबल खींची, क्या हुआ, अब यहाँ देखते हैं. फादर वॉज स्टैंडिंग ओवर हिम, स्वामी गेट अप ही सेड. और जैसे ही उसकी कंबल खींची उसने देखा कि पिताजी जो है खड़े हैं, और उन्होंने कहा स्वामी गेट अप, खड़े हो जाओ. ही सेड, उन्होंने कहा. ही लुक लाइक एन अपेरिशन इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज. अपेरिशन का मतलब होता है भूत, घोस्ट. तो वो स्वामी की जो है, स्वामी को उसके पिताजी एकदम उस आधे अंधेरे गलियारे के अंदर एक भूत की तरह प्रतीत हो रहे थे. विच वॉज लिट बाई ए कॉन ऑफ लाइट, जो कि एक लाइट से चमक रहा था. रीचिंग फ्रॉम द हॉल लैम्प, हॉल लैम्प की थोड़ी सी रोशनी आ रही थी. उस रोशनी में आधे अंधेरे में जो है स्वामी के पिताजी उसको एक होस्ट की तरह, एक भूत की तरह नजर आ रहे थे. स्वामी स्टीड एंड ग्राउंड एज इफ इन स्लीप, और स्वामी एकदम चौंक गया और नींद में ही गर्राटे कर रहा है, एज इफ जैसे कि वो नींद में ही हो, नाटक कर रहा है. सैड फादर, फादर, फादर सैड. अब पिताजी ने कहा गेट अप स्वामी, उठ जाओ. ग्रेनी प्लीडेड, अब ग्रेनी जो है, दादी जो है ग्रेनी, उन्होंने उनसे निवेदन किया. वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, भाई क्यों इसको परेशान कर रहे हो, क्या दिक्कत है. तो गेट अप स्वामी ही सैड फॉर द फोर्थ टाइम एंड स्वामी गॉट अप. अब लेकिन पिताजी तो स्टबर्न थे, जिद्दी थे, उनकी जो अडिगता थी वो स्वामी जानता था अच्छी तरह से कि ऐसे पीछे छोड़ने वाले है नहीं. तो जैसे ही उन्होंने चौथी बार पुकारा स्वामी उठ जा, अब स्वामी को उठना ही पड़ा. स्वामी उठ गया. फादर रोल्ड अप हिज बेड, अब पिताजी ने उसके जो बेड थे, बिस्तर थे, उनको लपेटे. टुक इट अंडर हिज आर्म, अपनी आर्म में अपनी बाह के नीचे डाल दिए. एंड कम विद मी, स्वामी लुक्ड एट ग्रेनी, और उन्होंने कहा आओ मेरे साथ. और स्वामी जो है लुक्ड एट ग्रेनी, अब ग्रेनी की तरफ देख रहा है. हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए संकोच किया, हिचकिचाया. एंड फॉलोड हिज फादर, और अपने पिताजी के पीछे पीछे चलने लग गया. इन टू द ऑफिस रूम, ऑफिस रूम में. On the way he threw a look of appeal at his mother. और रास्ते में उसकी माँ खड़ी थी, उनके सामने एक बहुत ही रिक्वेस्ट भरी निगाहों से उसने देखा, एक अपील भरी निगाहों से देखा. And said, और कहा Why do you take him to the office? आप इसको ऑफिस क्यों ले जा रहे हो. माँ ने भी जब देखा कि बच्चे का जो रिक्वेस्टिंग सेंस है, तो उस रिक्वेस्टिंग सेंस को देखा और उससे पूछा है कि भाई तुम इसको क्यों ले जा रहे हो ऑफिस में, क्यों सुला रहे हो. ही कैन स्लीप इन द हॉल आई थिंक, और मदर ने कहा भाई मैं सोचती हूँ ये हॉल में हो सकता है, हॉल में सो सकता है. यानी कि बच्चों के लिए, लड़कों के लिए सबसे प्रोटेक्टिव अगर कोई घर में रहता है तो या तो दादी माँ या माँ, किसी भी खतरे से बचाने के लिए. तो अब दादी माँ ने सिफारिश की, नहीं चली. माँ ने भी सिफारिश की कि भाई इसको ऑफिस में सुलाने की कहाँ जरूरत है, तो हॉल में सो जाएगा. तो क्या कहता है, आई डोंट थिंक सो फादर सैड, उसने कहा मैं सोचती हूँ ये हॉल में सो जाएगा. तो उसके पिताजी ने कहा मैं ऐसा नहीं सोचता, तू भले कुछ भी सोचे.
एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम विद बॉल्ड हेड, और स्वामी को अपना सर झुकाए हुए उनके पीछे पीछे चलना ही पड़ा। लेट मी स्लीप इन द होल फादर, स्वामी प्लीडेड, और स्वामी ने अब और निवेदन किया, उसने रिक्वेस्ट किया, पिताजी प्लीज मुझे हॉल में सोने दो, योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी, आपका ऑफिस रूम जो है बहुत ज्यादा डस्टी धूल भरा है, एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स, और वहां पर बिच्छू हो सकते हैं, आपकी कानून की जो किताबें हैं उनके पीछे छुपे हुए बुक्स के पीछे छुपे हुए बिच्छू हो सकते हैं। तो पिताजी कहते हैं देर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक इट, और उन्होंने कहा यहाँ कोई बिच्छू बिच्छू नहीं है, और अगर तुम चाहो तो बेंच के ऊपर सो सकते हो। कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम, अब स्वामी कहता है क्या मैं रूम में लैम्प जला के रख सकता हूँ। नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, अब पिताजी कहते हैं नहीं तुम्हें ये सीखना है कि अंधेरे में किस तरीके से नहीं घबराना है। यू मस्ट लर्न यानी तुम्हें सीखना है नॉट टू बी अफ्रेड, नहीं घबराना, ऑफ डार्कनेस अंधेरे से, अंधेरे से नहीं घबराना ये तुम्हें सीखना है। इट इज ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये सिर्फ एक आदत की बात है भाई, बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये सिर्फ आदत की बात है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, और तुम्हें अच्छी आदतें कल्टिवेट करनी पड़ेगी, अच्छी आदतें अपनानी पड़ेगी। विल यू एटलीस्ट हैव द डोर ओपन, अब जब कोई भी बात नहीं चली तो लास्ट में उसने कहा क्या मैं अपना दरवाजा तो खुला रख सकता हूँ। ऑल राइट बट प्रोमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रैनीज साइड एट नाइट, अब उसने कहा ठीक है लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि रात के समय तुम अपना बिस्तर नहीं समेटोगे और यू दादी के पास जाके नहीं सोओगे, यूँ नहीं कि तुम रात को बिस्तर समेट के दादी के पास जाके सो जाओ। If you do it, mind it, I'll make you the laughing stock of your school. अब देखो साथ साथ धमकी भी मिल गई। If you do it, अगर तुमने ऐसा किया, mind you, तो याद रखना, I'll make you the laughing stock of your school. मैं तुम्हारे स्कूल में मजाक उड़ाऊंगा, स्कूल में तुम्हारी मजाक उड़ाऊंगा। अब देखो स्कूल में कोई बेइज्जती करे तो सहन थोड़ी होती है, नहीं कर सकते ना। तो अब उसको चैलेंज तो एक्सेप्ट करना ही था, रात को सोना तो था, जा तो सकता नहीं था, क्योंकि अगर वो जाता तो उसके पिताजी अगले दिन स्कूल में बच्चों के सामने कहते कि मेरा बेटा इतना डरपोक है, जो कि वो सुनना नहीं चाहता था। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, और अब स्वामी को ऐसा लग रहा है कि वो पूरी मानवता से एक तरफ कट गया है। He was pained and angry. अब वो दर्द में था, गुस्से में था। He did not like the certain strain of cruelty he saw in his father's nature. और उसको जो इतनी क्रुएल्टी, इतनी जो निर्दयता थी, निर्दयता की जो दृढ़ता थी, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो कि उसके पिताजी की नेचर में उसने देखा, उसके स्वभाव में देखा। He hated the newspaper for printing the tiger's story. अब न्यूज़पेपर से भी नफरत करता है, क्यों उसने जो है उस टाइगर की स्टोरी को छापा, एक स्टोरी के कारण उसकी जीवन, उसके लाइफ मिजरेबल हो गया। He wished that the tiger hadn't spared the boy. और अब वो ये भी कल्पना करता है कि काश वो टाइगर उस बच्चे को छोड़ता ही नहीं, खा जाता तो अपने आप झंझट खत्म हो जाता। Who did not appear to be a boy after all but a monster? Who did not appear to be a boy after all but a monster? अब ये कह रहा है वो कोई बच्चा, साधारण बच्चा तो नहीं हो सकता, वो कोई मॉन्स्टर रहा होगा, राक्षस रहा होगा। As the night advanced and the silence in the house deepened, और जैसे ही जो है रात बढ़ती है और घर में साइलेंस जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है, शांति छा जाती है रात में, पूरी रात अंधेरी रात, जैसे ही सब लोग सोते हैं तो अजीब सा एक शांतिपन होता है, शांति होती है उसमें। His heart beat faster, और अब उसकी हृदय की धड़कन और तेज हो गई। He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. He remembered, यानी उसको याद आ जाती है, वो याद करता है all the stories, वो सारी कहानियाँ of devils and ghosts, भूत प्रेतों की वो कहानियाँ he had heard in his life, जो कि उसने अपने जीवन में आज तक सुनी है। जब भी हम रात को सुनसान जगह से अकेले गुजरते हैं
तो हमें वो सारी कहानियां फिर से याद आ जाती है जो किसी ने हमें सुनाई थी कि भी भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, वो पूरी की पूरी याद आ जाती है। आज तो गए, तो वही हाल जो है स्वामी का हुआ कि स्वामी को भी वो सारी स्टोरीज याद हो गई, मतलब याद आ गई। हाउ ओपन हैड हिज चम मनी सी द डेविल, किस प्रकार से उसका जो फ्रेंड था मनी उसने देखा सीन द डेविल इन द बनियान ट्री एट हिज स्ट्रीट एंड, किस तरह से उन्होंने जो है डेविल को, भूत को देखा बनियान ट्री, बरगद के पेड़ की तरह, पेड़ की ऊपर एट हिज स्ट्रीट, अपनी गली में। एंड वॉट अबाउट पुअर मुनिसमीज फादर, और बेचारे मुनिसमी के पिताजी को, तो हु स्पैट आउट ब्लड बिकॉज द डेविल near the river's edge slapped his cheek when he was turning home late one night। ये मुनिसमी के पिताजी का तो क्या, जिन्होंने कि ब्लड कई दिनों तक जो है उनके थूक में भी खून आने लगा था, क्योंकि जब वो रात को नदी के किनारे से लौट रहे थे तो उनके गाल पे एक जोरदार चांटा मारा था, किसने, डेविल ने, भूत ने। एंड सो ऑन एंड ऑन His thoughts continue, और इस तरीके के विचार उसके दिमाग में चलते रहे चलते रहे। अब सारी स्टोरी, सारी कहानियां भूतों की जो उसने सुनी थी वो उसकी नजरों के सामने आ गई, और वो बड़ा डरा हुआ है, कांप रहा है, हांप रहा है। He was faint with fear, और वो फियर से एकदम से faint हो गया, यानी घबरा गया। A ray of light from the street lamp strayed in एंड कास्ट शेडो ऑन द वॉल। अब एक गली के अंदर स्ट्रीट लैम्प जो है, एक गली के अंदर जो लैम्प लगा हुआ है, जो लाइट लगी है, उसकी थोड़ी सी किरणें जो है वो उसकी दीवार से होकर, दीवार हॉल की, उस ऑफिस रूम की दीवार पे पड़ रही है। थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड ऑफ नॉइज रीच्ड हिज ईयर, ईयर्स टिकिंग ऑफ द क्लॉथ, रसल ऑफ ट्रीज, स्नोरिंग साउंड्स एंड सम वेज नाइट इंसेक्ट्स हमिंग। अब देखो, थ्रू द स्टिलनेस यानी इस शांति में ऑल काइंड्स ऑफ नॉइज, सभी प्रकार की आवाजें रीच्ड हिज ईयर्स, उसके कानों में पहुंच रही है। टिकिंग ऑफ द क्लॉक यानी घड़ी के टिक टिक की आवाज, रसल ऑफ ट्रीज पेड़ों के हिलने की आवाज, स्नोरिंग साउंड्स खर्राटे लेने की आवाज, एंड सम वेज नाइट इंसेक्ट्स हमिंग, और कुछ रात्रि के कीड़े मकोड़े जो करते हैं उनकी भी आवाज उसको सुनाई दे रही है। He covered himself with the blanket, और अब वो अपने आप को ब्लैंकेट, उस कंबल में कवर कर लेता है, ढक लेता है पूरी तरह से, as if it were an armor, जैसे कि ये उसका जो है क्या है, आर्मर है, यानी प्रोटेक्टिव कोट है, रक्षा का जो कवच है, हथियार की तरह सुरक्षा कवच है, उस तरीके से उस ब्लैंकेट को ढक लेता है। कवर्ड हिमसेल्फ, अपने आप को पूरा ढक लेता है। सो कम्प्लीटली, पूरी तरह से, दैट ही कुड हार्डली ब्रेथ, कि मुश्किल से, सांस भी बड़ी मुश्किल से आए। एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड द डेविल्स टू कम अप, और हर समय उसको यही लग रहा है कि अभी आया डेविल, अभी आया शैतान, अभी आया भूत, अभी आया। एंड क्लच एट हिज थ्रोट, और उसके गले को पकड़ेगा और कैरी हिम अवे, या उसको साथ ले जाएगा। There was the instant of his old friend in the fourth class who suddenly disappeared and was said to have been carried off by a ghost or Siam or Nepal. और अब उसको वो एक इंस्टेंस याद आता है कि उसका एक पुराना फ्रेंड जो था, जब वो चौथी क्लास में था, अचानक से गायब हो गया, और फिर ये कहा गया कि भाई उसको कोई भूत अटा के ले गया, या श्याम या कोई नेपाल ले गया कहीं दूसरी जगह, श्याम या नेपाल ले गया वो भूत। स्वामी हरीडली गॉट अप एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच एंड क्राउच्ड, और अब स्वामी जो है तुरंत खड़ा होता है, अपने बिस्तर को समेटता है, फैलाता है बेंच के नीचे, अंडर द बेंच, बेंच के नीचे, एंड क्राउच्ड, और वहां पर जो है वो लिपट कर सो जाता है। इट सीम्स टू बी ए मच सेफर प्लेस, अब ये उसको जो है कुछ सुरक्षित स्थान लगता है। मोर कॉम्पैक्ट एंड रीअश्योरिंग, और अब यहाँ जो है थोड़ा सा वो ऐसी और लगता है। He shut his eye tight and enclosed himself in his blanket once again and unknown to himself fell asleep and in sleep he was dragged with nightmares.
ही शट हिज आईज टाइट, वो अपनी आंखों को कसकर बांध बंद कर लेता है, इनक्लेस्ड हिमसेल्फ इन हिज ब्लैंकेट, और अपने कंबल में पूरी तरीके से खुद को लपेट लेता है, वंस अगेन, एक बार फिर से, एंड अननोन टू हिमसेल्फ फेल एस्लीप, अननोन टू हिमसेल्फ यानी अनजाने में उससे भी नहीं पता, फेल एस्लीप सो जाता है, एंड इन स्लीप और नींद में, ही वॉज रैक्ड विद नाइटमेयर्स, उसको रात को एक डरावना सपना जकड़ लेता है, एक डरावना सपना उसको आता है, ए टाइगर वॉज चेजिंग हिम, अब सपने में क्या है, एक टाइगर जो है उसको चेज कर रहा है, पीछा कर रहा है, सपना भी कैसा आया, जो स्टोरी टाइगर की उसने पढ़ी थी न्यूज़पेपर में, भाई अक्सर हमें रात को वही सपने आते हैं जिसके बारे में हम दिन भर सोचते हैं या दिन में जिसके बारे में चर्चा की जाती है, तो उसको स्वामी को भी जो है यही सपना आया कि एक टाइगर जो है उसको चेजिंग कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, और उसके पैर जो है जमीन से चिपक गए हैं, अक्सर ऐसा होता है, कभी आपके पीछे कुत्ता भागा है? है अगर भागे तो क्या होगा उस समय, या कोई गाय या भैंस या कोई भी पशु जो हिंसक है और आपकी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा है, क्या होगा, पैर वहीं चिपक जाएंगे, आवाज करना चाहेंगे, गला रुंध जाएगा, आवाज निकलेगी नहीं, वही हालत उसकी हुई, उसके पैर जो है चिपक गए हैं। He desperately tried to escape, but his feet would not meet. और वो बड़ी मतलब मेरा सब बहुत ज़्यादा हताश होकर प्रयास कर रहा है वहाँ से बचकर भागने का, लेकिन उसके फीट जो है मूव ही नहीं हो रहे हैं, हिल ही नहीं रहे हैं उसके पाँव तो। The tiger was at his back, और टाइगर जो है बिल्कुल उसके पीछे आ गया है, and he could hear its claws scratch the ground. और अब उसके पंजे से जो ग्राउंड को स्क्रैच कर रहा है, वो स्क्रैच की साउंड जो है वो उसको अभी सुनाई दे रही है, स्क्रैच स्क्रैच इस तरीके से जो है जमीन पर उसके पंजे से जो स्क्रैच करने की आवाज है वो सुनाई दे रही है, एंड देन ए थर्ड, और उसके बाद एकदम से धम ऐसी कोई आवाज आती है। स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आईज, अब स्वामी अपनी आंखें खोलने का प्रयास करता है, बट हिज आई लिड्स वुड नॉट ओपन, लेकिन उसकी आंखों की पलकें जो है खुलती नहीं है। द नाइट मेयर कंटिन्यूड, और रात का सपना जारी रहता है, वो आंखें खोलना भी चाह रहा है लेकिन आंखें खोल ही नहीं पा रहा है, और वो सपना चलता रहता है। इट थ्रेटन टू कंटिन्यू ऑल हिज लाइफ, और ये पूरी जिंदगी उसको जो है भयानक बना रहता है, चलता रहता है। स्वामी ग्रोन्ड इन डिस्पेयर, और अब स्वामी जो है ग्रोन्ड यानी गुर्राता है डिस्पेयर निराशा में। वॉट एन इनएस्केपेबल ड्रीम, क्या ये इनएस्केपेबल यानी जिससे बचा नहीं जा सके, ये एक ऐसा सपना था जिससे बचा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से जब स्वामी रात को अकेला सोता है तो किस प्रकार से उसको सपना जकड़ लेता है, नाइटमेयर डरावना सपना आता है, और उसकी क्या हालत होती है, इसके बारे में आज अपन ने पढ़ा। इसके अगला अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। इसी के साथ आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।